हाय गाइस, वेलकम बैक टू बी नेचुरल। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जिसके बारे में मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया था। इनफैक्ट अपने पेरेंट्स तक को भी नहीं बताया था। अगर वो ये एपिसोड देखेंगे तब उनको पता चलेगा। मेरा मोटिव बस इतना सही है कि मैं अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों की कहानी आपको बता करके आपको ये एहसास दिला पाऊं कि जिंदगी किस तरीके से बदल सकती है। मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया है, जो चेंजेस आए हैं, वो आप खुद मेरी पहली वीडियो से लेकर के अब तक की वीडियो में देख सकते हो क्या फर्क आया है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियो, आपको इंस्पायर करके जाएगा और आपकी जिंदगी जरूर बदलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी बदलेगी ऐसा मुझे लगता है। वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना कि आपकी जिंदगी में मेरी ये वीडियो कितना बदलाव लेके आती है। मैं समझ सकती हूँ कि हर किसी को मेरी मोटिवेशनल वीडियो में मे बी इंटरेस्ट ना हो, मेरी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी ना रखे। तो अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो आपको मैं नेल पेंट के स्वॉचेस दिखा देती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको मेरे नेल पेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कि बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रहे थे आप लोगों के कि आप कौन सा नेल पेंट लगाते हो वो आप दिखा दो। प्लस बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, बाय थ्री एंड गेट थ्री फ्री। अब ये ऑफर कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, तो मैं इस ऑफर के खत्म होने से पहले ये वीडियो शूट करना चाहती थी। प्लस ये मोटिवेशनल वाली बात भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, तो मैंने दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया है। आप चाहें तो ये देखिए या फिर इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी, बहुत ही प्यारे शेड्स हैं, माइंड ब्लोइंग कलर्स हैं, तो एक बार ये वाला स्वॉचेस जरूर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो स्टिक की में 20 अलग अलग शेड्स आते हैं, पर मैं आपको कुछ मेरे टॉप फेवरेट शेड्स दिखा रही हूँ जो मैं आपको हाईली 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 रेकमेंड करती हूँ। आप देख सकते हो कितना शाइन कर रहा है ये कलर, पिकॉक कलर है, बहुत प्यारा है। ये दूसरा कलर सेम ब्लू है, इसके अंदर स्पार्कल है, ये भी कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुछ चुनिंदा मेरे फेवरेट कलर्स हैं, आप देखो आपको कैसे लगते हैं, आप बताना मुझे कमेंट करके कि आपको कौन सा वाला अच्छा लगा। ये अगर आप ब्राइडल है, शादी होने वाली है, या आपको रेड शेड पसंद है, तो बहुत प्यारा रेड कलर है। और जेल है, जेल और मैट दोनों स्टेक वर्क के नेल पेंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। इनकी पैकेजिंग भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छी है। ये ऑरेंज कैमरे पे उतना अच्छा ऑरेंज दिख नहीं रहा है, लेकिन ये प्रॉपर पूरा हनुमान जी वाला ऑरेंज कलर है। ये पिंक मैट कलर है, लगाते ही सूख जाता है 5-6 सेकंड्स के अंदर अंदर। और ये ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, जेल कलर है, शाइन इतना ज्यादा करता है कलर, इतना प्यारा, इसे जितनी तारीफ करो उतना कम है। जो भी आपको पसंद आ रहा है आप नंबर देख लीजिए और वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, आप उसके ऊपर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, 2-3 हफ्ते से भी ज्यादा ये आपके नेल्स पे टिके रहते हैं। ये वाला नेल पेंट्स निकलते नहीं है, बाकी जो लोकल 10-20 रुपए के नेल पेंट्स आपको शनि बाजार जैसे मार्केट में मिल जाएंगे। आप मुझे बताओ आपको फेवरेट कौन सा लगा। यूट्यूब की अगर मैं बात करूं तो जीरो से स्टार्ट किया था, हर यूट्यूबर जीरो से स्टार्ट करता है, लेकिन ग्रोथ अगर आप देखो तो बहुत बहुत जल्दी ग्रोथ हुई है। लेकिन आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेहनत मैंने बहुत की है, तो इसी मेहनत का जो सफर है ना मेरा, वो कैसे शुरू हुआ, सिर्फ यूट्यूब की ही बात नहीं, पर्सनल लाइफ की, मतलब आफ्टर मैरिज जो मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने अकेले ने नहीं, मैंने और प्रिंस हम दोनों ने स्ट्रगल किया है। क्योंकि जैसे आप जानते हो कि हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और दिल्ली के बाद क्योंकि प्रिंस अपना जो थिएटर आर्टिस्ट थिएटर एक्टर जो वहां पे थे, तो वो काम छोड़ करके एक नया प्लेटफॉर्म है मुंबई में, आप लोगों को पता ही है, उसमें एस्टेब्लिश होने के लिए आए थे। तो जब हम लोग मुंबई में आए थे ना, तो हमारे पास 4 बैग्स के अलावा कुछ नहीं था। तो प्रिंस जहां पहले रहते थे वो एक किराए का घर था, जहां सिर्फ एक चट्टाई हुआ करती थी। उस चट्टाई से लेकर के अभी जितनी भी चीजें आप मेरे घर में देखते हो ना, वो सब हमने अपने बलबूते पे खड़ा किया। हमने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बोला कि हमें ये दिला दो, हमें वो चाहिए, ये चाहिए, नहीं, हमने जीरो से स्टार्ट किया। आपको पता होगा कि एक टीचर का और एक थिएटर एक्टर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है जब वो शुरुआत कर रहे होते हैं। हमारी शादी काफी जल्दी हो गई थी, तो कम उम्र में शादी करने का यही होता है कि आप स्टैब्लिश नहीं होते हो। हम दोनों की फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम अपने प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो हम लोग अपने काम में स्ट्रांग है, लेकिन फाइनेंशियली उन दिनों स्ट्रांग नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बता रही हूं मैं, क्योंकि इसके पीछे मेरा बहुत ही बड़ा मोटिव है। मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी आप कहानी सुनो और मेरी बात से रिलेट होके अपनी जिंदगी में कुछ चेंज लेके आओ। आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल खड़ा है जिसने कम टाइम में ग्रोथ की है, और उस ग्रोथ का सिर्फ एक ही रीजन है,
मेहनत मेहनत कड़ी मेहनत की है। मैंने और प्रिंस ने, हम दोनों ने कड़ी मेहनत की है। वो मेहनत कैसे रही और कैसे हम लोग इतना ग्रो कर पाए हैं, वो आज की वीडियो में आपको सुनने के लिए मिलेगा। जो लोग मेरी वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, हर चीज में बुराई मत करो यार। बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे फेक बोल रही है, झूठी कहानी बना रही है। नेगेटिविटी छोड़ो, चीजों में पॉजिटिविटी देखना स्टार्ट करो। ध्यान से गौर से सुनो मेरी बातों को। कहते हैं ना, आधा ग्लास खाली है या आधा ग्लास भरा हुआ है। आज जो कहानी बता रही हूँ उसमें जो आधा ग्लास भरा हुआ है ना, वो भरे हुए ग्लास की बात समझो। जो नेगेटिविटी आप लोग लेकर के आते हो ना कि ये फेक पब्लिसिटी ये वो, हटाओ। सुनो मेरी बात गौर से और सीख के जाओगे बहुत कुछ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपका टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, मुझे फिर समझ आएगा कि हाँ आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, आपको इनकरेजमेंट मिल रही है। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जिसको एक मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि मेरे से ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं होगा। तो मैं 5 साल पहले जाती हूँ मेरे जिंदगी के। उस 5 साल पहले जब हम लोग दिल्ली से मुंबई आए थे, एक चटाई थी हमारे पास और 4 बैग्स थे। उसके बाद मैंने अपना स्कूल में जॉब के लिए ट्राई करना स्टार्ट किया। प्रिंस भी अपने काम के लिए इधर उधर देखने लग गए। बाद में उनको प्रोडक्शन हाउस में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, कई सारे सीरियल्स में काम किया। पर सीरियल्स में काम करने का नुकसान ये होता है कि आज ये सीरियल बंद हो जाए तो आपका कैरेक्टर वहां खत्म हो जाता है। और बेसिकली उन्होंने एपिसोडिक सीरियल्स वगैरह किए हुए हैं, फुटेज जिसकी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। प्रिंस की कहानी वैसे वो अपनी जुबानी अपने चैनल पे बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो वो अपनी कहानी खुद बता देंगे, मैं आज सिर्फ अपनी कहानी पे फोकस करने वाला। तो एक वो दिन था जब हम एक चटाई 4 बैग लेकर के मुंबई में आए थे, किराए के घर में रहते थे। मुंबई आते ही सबसे पहले मैंने अपना जॉब ढूंढना स्टार्ट किया, और जॉब पता है कैसे ढूंढा? जस्ट डायल में हम लिखते थे स्कूल्स नियर बाय गोरेगांव ईस्ट, तो गोरेगांव ईस्ट के पास जितने भी स्कूल है ना, हम वहां का लिस्ट निकालते थे। 500 स्कूल के नाम हमने रजिस्टर में लिखा, उनका एड्रेस के साथ लिखा, करिकुलम वीटा मैंने ऑनवलप में डाला और पर्सनली जाकर के रिसेप्शन पे देकर के आती थी कि अगर वैकेंसी है तो मुझे जॉब दो। हर स्कूल का दरवाजा खटखटाया, मुझे जॉब दो जॉब दो जॉब दो। कई स्कूल से ऑफर भी आए, तो पहले पता नहीं था कि कौन से छोटे स्कूल है। बिल्डिंग बड़ी दिखती थी, अंदर स्कूल छोटे दिखते थे। यहाँ पे तो इंटरव्यू के बाद कहते थे 5,000 देंगे 10,000 देंगे। अरे मैं जहां नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ा के आई थी वहां मुझे 20,000 मिल रहे थे, और यहां मुझे सेकेंडरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए 5,000 10,000 ऑफर करते थे। कुछ ऐसे भी स्कूल थे। मोरल आपका इतना डाउन हो जाता है कि अरे मैं ये कहां आ गई हूं, सैलरी नहीं दे रहे ये लोग तो मुझे। लेकिन फाइनली मुझे अच्छी खासी जॉब मिली। हालांकि दिल्ली में जैसे 7th पे कमीशन आपको मिलता है उस हिसाब से तो नहीं मिला, लेकिन जितना मिला वो काफी अच्छा था। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। जब 5 साल पहले आई थी मैं यहाँ पे मुंबई में, तो मेरे पास वो जो 4 बैग्स है ना, उन 4 बैग्स में अगर मैं मेकअप की बात करूं तो मेरे पास सिर्फ एक लिपस्टिक हुआ करता। मैं लिपस्टिक खरीद ही नहीं पाती थी क्योंकि प्रिंस और मेरी अर्निंग बहुत लिमिटेड थी, और उस लिमिटेड अर्निंग में हम दोनों अपना खर्चा निकाला करते थे, घर का किराया भरा करते थे, और मंथ के एंड तक हम लोग के पास 200-300 रुपए ही बचा करते थे। और उसमें अगर कोई बीमार पड़ गया या कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ गया तो फिर सोच में पड़ जाते थे अब क्या करें। घर वालों से पैसे मांगना पसंद नहीं था, हम नहीं चाहते थे, क्या लगेगा उनको भी शादी के बाद हाथ फैला रहे, तो उसी में कैसे तैसे हम एडजस्ट करते थे। तो इतना स्ट्रगल किया हमने इन 5 सालों में कि प्रिंस से अलग अलग चीजें करना स्टार्ट कर दी। जैसे वो अपना एक्टिंग भी करते थे, प्रोडक्शन हाउस भी ज्वाइन किया था, 2 साल दिल्ली में योगा सीखा था, तो इन्होंने अपना योगा का इंस्टीट्यूट भी खोला जिसके 15 ट्रेनर्स भी इन्होंने योगा के लिए रखे। तो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जो होम योगा सीखना चाहते हैं तो उनको कॉल करते हैं और वो अपने ट्रेनर्स को भेजते हैं वहां योगा सिखाने के लिए। तो फिटनेस में भी उन्होंने ध्यान दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज कर रहे तो एक ही फील्ड में रहे, रिस्क लिया, अलग अलग चीजों में हाथ आजमाया, और लकीली सब में वो कामयाब रहे। तो आज की डेट में हम इतना कर पा रहे हैं कि मेरी सैलरी पूरी बच जाती है, मुझे अपनी सैलरी से कुछ खर्च करना नहीं पड़ता है। साथ ही साथ आज की डेट में हम लोग जितना भी हम लोग अर्न करते हैं ना, प्रिंस अपने घर में पैसे, तो लड़का है तो ठीक है, लड़कों से उम्मीद होती है कि वो अपने घर में घर वालों को कुछ पैसे भेजे, पॉकेट मनी वो अपने घर वालों को भेजते हैं। मैं भी भेजती हूँ अपनी मॉम को पॉकेट मनी। मतलब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को अलाउ मुझे नहीं लगता करेगा, अगर करते होंगे तो कमेंट करके बताना कि किस किन के हस्बैंड अलाउ करते कि आप अपनी अर्निंग में से पॉकेट मनी आप अपने पेरेंट्स को भेजो। बट मैं भेजती हूँ और मुझे बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे पेरेंट्स लेना नहीं चाहते, वो मना करते कि बेटी के पैसे लड़की के पैसे नहीं लेंगे, बट मैं उनको बिना कुछ बोले उनके अकाउंट पे डिपॉजिट कर देती हूँ। फिर जब उनको पता चलता है तो डांटते हैं क्यों क्या, लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है एक टाइम था कि मेरी मॉम ने बहुत ज्यादा गरीबी देखी थी, बहुत मतलब फाइनेंशियली एक टाइम पे मेरे पेरेंट्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। पेरेंट्स नहीं, मतलब मम्मी शादी के पहले उतनी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी,
तो उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है. कभी मम्मी की स्टोरी सुनाऊंगी ना सोच तो मेरे आंसू निकल आते हैं. बहुत स्ट्रगल देखा है उन्होंने. वो बात मुझे आज भी याद है जब मम्मी कहती थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे तो हम लोग चावल के साथ नमक मिला करके खाया करते थे. तो मैं नहीं चाहती कि मम्मी को वो वाले दिनों के बारे में दोबारा कभी सोचने को मिले. मैं इतना ज्यादा प्यार और फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स को स्ट्रांग देखना चाहती हूँ कि उनको कभी किसी चीज की कमी ना रहे. लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था, ये तो अब होने लग गया. लेकिन पहले क्या था, पहले जिस घर में हम लोग रहते थे मंथ के एंड में 200-300 रुपए बचे रह जाते थे. कभी हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते थे, कभी लंच स्किप कर देते थे कि वो पैसे हम कैसे भी मैनेज कर पाए, महीना निकाल ले. सैलरी आने में भी 2 दिन है और 2 दिन का इंतजार बेसब्री से होता था कि सैलरी आ जाए. आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे सैलरी आती थी उछल पड़ी थी कि चलो सैलरी आ गई, अब सारे खर्चे हम निकाल पाएंगे थोड़े बहुत. और उस घर में, जिस घर में मैं रहती थी ना, शिवधाम कॉम्प्लेक्स गोरेगांव ईस्ट ओबेरॉय मॉल के पास, वो बिल्डिंग 35 साल पुरानी और उस बिल्डिंग के अंदर इतने बड़े बड़े कान खजूरे निकला करते थे. हमारे घर में हर दिन 2 से 3 इतने बड़े कान खजूरे निकलते थे और मुझे ऐसे ऐसे हो जाता था. बहुत आई हेट कान खजूरा यार. वो प्रिंस निकालते थे न्यूज़पेपर से और बाहर रख करके आते थे उसको, और बस जगह ही नहीं थी उस रूम में चलने के लिए. सिर्फ एक बेड खुल सकता था, एक फ्रिज, एक छोटी सी अलमारी रख सकते थे और 2 कदम आप चल सकते थे. साथ में एक छोटा सा किचन था. कभी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करते हो, दूसरे रूम में जाकर रूम बंद कर लेते होगे. मैं क्या करूं, दूसरा रूम ही नहीं था. किचन की जो स्लैब होती है ना, मैं स्लैब पे जाकर के बैठ जाती थी क्योंकि नीचे तो वो कीड़े मकौड़े घूमते रहते थे, तो मैं वहां बैठती थी. हाँ, मैंने दवाई वगैरह मारी, कीड़े मकौड़े तो गंदगी में रहते हैं आप बोलोगे, लेकिन वो बिल्डिंग ही इतनी ज्यादा पुरानी थी कि बिल्डिंग में जंग लग गया था. इनफैक्ट वो बिल्डिंग इतनी पुरानी थी ना कि एक दिन हम लेटे हुए थे और बगल में जो छत के ऊपर जो प्लास्टर होता ना, वो इतना प्लास्टर गिरा कि बिल्डिंग का जो सरिया होता है ना, वो सरिया नजर आने लग गया. हम लोग को इतना डर लगा कि वो हमारे ऊपर गिरता तो क्या होता. फिर कैसे तैसे हमने वहां से घर छोड़ा और फिर इस वाले घर में हम आके रहने लग गए. और ये घर हमारे लिए बहुत लकी रहा. यहाँ घर आकर के प्रिंस को बहुत सारे काम मिलने लग गए. मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, जीरो से स्टार्ट किया, किसी का सपोर्ट नहीं लिया, किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया, अपने दम पे 1 मिलियन पे आने वाली हूँ. और जब मुंबई आई थी कोई नहीं जानता था मुझे, कोई नहीं जानता था. मेरे रियल लाइफ में मेरे उतने फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि सोशल गैदरिंग बढ़ाने के लिए, फ्रेंडशिप रखने के लिए आपको तो टाइम भी तो देना होता है. अब मेरे पास टाइम ही नहीं है. अब मैं स्कूल सुबह 4 उठ करके, थोड़ा योगा करके, आपके कमेंट्स पढ़ करके स्कूल जाना, फिर वहां से 2:30-3 बजे घर वापस आना, थोड़ा सा रेस्ट करना, उसके बाद लंच वगैरह करके यूट्यूब की वीडियोज शूट करना, एडिट करना. कभी कभी तो स्कूल से अगर लेट आऊं तो इतना भी टाइम नहीं मिलता था कि शाम के टाइम में शूट कर लूं. तो मेरा शूट रात को मैं करती थी, 5:30 बजे तक भी मैंने शूट किया है और मॉर्निंग में उठ करके हाफ डे लेकर के फिर मैं स्कूल गई हूँ. ऐसे ऐसे भी मैंने किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे चैनल पे, अगर मैंने आपको बोला है कि डेली 10:30 बजे वीडियो अपलोड होगी तो होगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपलोड करती हूँ. आप बोलोगे क्या जरूरत है इतना कुछ करने की, क्यों नहीं जरूरत है, मेरा पैशन है, मुझे पसंद है, लोग मेरा इंतजार करते, तो मैं क्यों ना अपलोड करूं. बीच बीच में मैंने 10:30 बजे का टाइम भी मैंने चेंज किया क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंच ही रहते, देख रही थी मैं कि किसी और टाइम अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन चाहते या नहीं, अदरवाइज मैं 10:30 बजे डेली वीडियो मेरी आती ही आती है. तो मेरी कहानी से मैं आपको सिखाना ये चाहती हूँ कि जिंदगी में आपको रिस्क लेना होता है, रिस्क लोगे तभी कामयाब हो सकते हो. प्रिंस और मैंने रिस्क लिया दिल्ली छोड़ करके मुंबई आकर के सेटल होने के लिए. हमने रिस्क लिया कि हम जॉब करेंगे. प्रिंस अलग अलग जगह पे जॉब ट्राई करते थे और बहुत सारी चीजें एक साथ की. हमने रिस्क लिया यूट्यूब चैनल खोलने का, हमने रिस्क लिया अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करते थे. रिस्क ही तो है जिस टॉपिक के ऊपर नॉर्मल यूट्यूबर बात नहीं कर पाते हैं. इनिशियल में मुझे लगता है सबसे पहले मैंने एक रेवोल्यूशन लेकर के आया कि इन सब चीजों के बारे में बात करने लगी. मुझे नहीं लगता कोई भी मेरे जैसे यूट्यूबर है जिसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मेरे जितने हैं और वो इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करती है. जैसे कि मैंने बात किया है मेंस्ट्रुअल कप, पैड्स, कॉन्डोम, एड्स, वजाइनल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस, टैम्पॉन्स, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर लोग बात नहीं करना चाहते, पर मैंने इन सब मुद्दों के ऊपर बात किया है और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है सही तरीका चीजों को यूज करने का. तो ये मैंने रिस्क लिया अपने साथ अपने चैनल पे. हो सकता था, मुझे लगता था कि पता नहीं लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं खुश हूं कि लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, मैंने रिस्क लिया. तो रिस्क लेने को ही जिंदगी कहते हैं यार. अगर आप जब तक रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे. 1.5 साल के अंदर 1 मिलियन होने वाले हैं. रिस्क लिया मैं, डिफरेंट टॉपिक्स लेके आई, तभी तो मेरा चैनल बाकी चैनल से अलग है. यहाँ आपको सब चीजें मिलेगा, सेम रेसिपी नहीं मिलेगी. रोज एक ही चीज मैं आपको नहीं दिखाती हूँ, हर बार अलग चीजें करने की कोशिश करती हूँ. बजाय कि कितने हेट कमेंट आए, कितने लोग बुराई करें, क्या कुछ कह के ना चिढ़ाएं, ठीक है
वो अगर आ करके नेगेटिविटी देखते हैं तो ये उनका प्रोस्पेक्टिव है, मुझे पॉजिटिविटी देखनी है और पॉजिटिविटी फैलानी है, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि इतने कम टाइम में मैंने इतना ज्यादा ग्रो किया है अपनी लाइफ में। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो फाइट बैक, लड़ो उससे। आप जो चाहते हो तन मन से अगर किसी चीज को पाना, शाहरुख का डायलॉग है और 100% सच है, पूरी कायनात मिल जाती है, पर आपको कोशिश तो करनी पड़ती है। मैंने कोशिश की, मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे पता है रात भर जाग जाग करके मैंने वीडियोस बनाई हैं, एडिटिंग किया है, अपलोड किया है, तब जाके 10 लाख लोग मेरी जिंदगी में आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं कोई मुझे सब्सक्राइब करेगा, ऐसे ही लोग इतने लाइक्स नहीं देते हैं, उनको कुछ अच्छा लगता है तभी करेंगे ना। आप यूट्यूबर हो या किसी भी फील्ड में हो, अगर आप दिल से मेहनत करते हो, पैशनेट होते हो ना किसी चीज के बारे में, आप सोचोगे आप कैसे हटके हो सकते हो, कैसे दूसरों से अलग हो सकते हो। आप मेहनत करोगे आपको फल मिलेगा मिलेगा। और जो कुछ भी आज मैं अचीव कर पाई हूँ वो ऐसे ही नहीं मिल गया, फ्री में चीजें आपको नहीं मिलती है। आप जब चीजों के लिए मेहनत करते हो ना, लोग आपको पहचानने लग जाते हैं, तब आपको मिलती है चीजें। इतने सारे चैनल्स को चलाना, लोगों की तो टीम होती है, स्टूडियो होता है, कितने सारे एम्प्लॉयर्स हायर कर रखे होते हैं यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, पर यहाँ पे सिर्फ मैं और प्रिंस, हम दो ही हैं, दोनों ही करते हैं, और उसके साथ साथ प्रिंस का अपना 3 अलग काम है। मैं स्कूल भी जाती हूँ, अपने घर का काम करती हूँ, हस्बैंड को देखती हूँ, अपने यूट्यूब चैनल्स को भी देखती हूँ, सब हम दोनों मिलकर के कर रहे हैं। कोई टीम नहीं है, कोई स्टूडियो नहीं है, कुछ नहीं है। एक फोन से स्टार्ट किया था मैंने रिकॉर्ड करना, वो तो आज की डेट में मैं कैमरे से शूट कर रही हूँ। और इन सबके साथ अपने आप के ऊपर भी ध्यान देना है, हेल्दी रहना है, फिट रखना है, अच्छे दिखना है, मतलब इतनी सारी चीजें हम दोनों मिलकर के कर रहे हैं। कुछ अचीव करना है यार, बहुत कुछ करना है अपने लिए, प्रिंस के लिए, उनके घर वालों के लिए, आप लोगों के लिए। तो ये सब कुछ हम एक साथ कैसे ना कैसे मैनेज कर रहे हैं ना। अगर आप बिस्तर पे लेटे लेटे सोच रहे हो अरे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, किस्मत ही ऐसी है, तो किस्मत हाँ है ही ऐसी, क्योंकि आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। हमने इतनी मेहनत की है तब यहाँ पे आ पाए हैं। फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता है, गालियां भी नहीं मिलती है फ्री में। कुछ करो आप तब आपको गालियां मिलेंगी। आप मानोगे नहीं प्रिंस और मुझे देख करके, आप लोग को लगता है ना कितना प्यार है इन दोनों के बीच में। शादी का पहला साल हम दोनों इतना लड़ते थे, इतना लड़ते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत लड़ाइयां होती थी हमारी, आज की डेट में कोई बोल नहीं सकता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई भी होती है। हमने किया एडजस्ट एक दूसरे के साथ, समझे एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर वर्क किया, सिर्फ हार नहीं मान ली कि चलो लड़ाई हो रही है तो भाई तुम अपना बैग, में अपना बैग उठा के एक दूसरे से अलग हो जाए। अलग होना बहुत आसान है, लेकिन इतने सारे लड़ाई झगड़े होने के बावजूद भी एक दूसरे का प्यार बना करके रखना, एक दूसरे की कमियों को समझना और कमियों को पूरा करना, उसी को तो कहते हैं अर्धांगिनी, आधा हिस्सा। ही इज माई बेटर हाफ, इवन आई एम हिज बेटर हाफ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी बस इतनी सी है कि मैं ये थी शून्य, कोई नहीं जानता था मुझे, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं थी, मेंटली भी इतनी ज्यादा अपनी बात को रख पाऊं इतनी सक्षम नहीं थी। मेरी पहली वीडियो देखोगे तो लगेगा ये क्या बोल रही है, ये रेखा है, आप पहचान नहीं पाओगे, कभी मेरी पुरानी वीडियोस को जाके देखना। स्कूल में कभी फंक्शंस होते थे ना, माइक दे देते थे टीचर्स को, लो असेंबली अटेंड करो, लो कुछ बोलो। मुझे पब्लिक के सामने बोलने का फोबिया था, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं पब्लिक के सामने कोई स्पीच दे पाऊं, कुछ बोल पाऊं। आज की डेट में एनजीओ में जाकर के मैं 100 लड़कियों को स्पीच देती हूँ। तो ये सब ऐसे ही जादू की छड़ी नहीं घूमी है, मेहनत किया है तो हुआ है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक मन में हौसला रख लो कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, जितनी भी मुसीबतें आती है आने दो, मुसीबतें आपको स्ट्रांग बनाती है, ये कहने की बात नहीं है, मुसीबतें आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है, आने तो दो मुसीबतों को। जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे ना, आप उनका सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाओगे, और जब प्रॉब्लम्स आती है सॉल्यूशन निकालते हो तो आप अपने से ज्यादा स्ट्रांग बन करके बाहर निकलते हो। तो जिंदगी में कुछ अचीव करना है ना, तो भगवान को ये मत बोलो कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, बोलो दो मुसीबतें आने दो मुश्किलें, मुझे बस इतनी हिम्मत दो कि मैं उन मुश्किलों और मुसीबतों का सामना डट करके कर सकूं, और आने वाले टाइम में आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। तो मेरी सारी बातों से ना मॉरल बहुत अच्छा निकल करके आ रहा है। जो समझदार होंगे और जो वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते होंगे ना, वो समझ जाएंगे, और जिनको नहीं समझना है ना, वो नेगेटिव कॉमेंट करके जरूर जाएंगे। मेरे से अगर आप इंस्पायर होते हो, मेरी बात आपको अच्छी लगी है और इसका और भी पार्ट्स देखना चाहते हो, मेरी मोटिवेशनल वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि मैं कितना रिलेट कर पाई हूँ आपकी जिंदगी से, आपको कितनी हेल्प मिली है, मुझे अच्छा लगेगा सुन करके। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर किए बिना प्लीज मत जाना। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोज अगर आपको देखनी है ना, तो बी हेल्दी व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कर दो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वहां आपको एक से एक मोटिवेशनल वीडियो प्रिंस और मैं दोनों मिल करके देते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी।